हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को मेरा सुप्रभात और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अठ सेवेंटी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं आज जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं जो फ्रीडम आपके समक्ष है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं की ये देन है उन्हीं की बदौलत आज हम लोग इतना फ्रीडम के साथ जीवन जी रहे हैं तो उन सभी को नमन और आज हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व है तो राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही जोशो उल्लास के साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर इसके बाद जो है क्लास को हम स्टार्ट करेंगे तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो है हम लोग कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये सेवेंटी एथ है अठर सेवेंटी एट स्वतंत्रता दिवस जो है है अठहत्तर साल जो है हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुका है ठीक है ना आज़ादी में बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका कुर्बानी रहा है उन्होंने अपना खून पसीना को एक किया है तब जाके आज जो है हम लोग ऐसे जो है ज़िंदगी जी रहे हैं इतना फ्रीडम में इतना हर चीज़ जो है हम लोग के पास उपलक्ष है तो उन सभी को नमन और वो वीर सपूतों को बहुत बहुत बारी बारी से सभी को प्रणाम महात्मा गांधी जिन्होंने देश के आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह ठीक है ना तो सभी का जो है बहुत बड़ा रोल है और आज जो है हम लोग जी रहे हैं ज़िंदगी आज जो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं इतना खुल के जो ज़िंदगी जी रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों की जो है देन है ठीक है ना बच्चा तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का जो जो टॉपिक टॉपिक है 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 तो वो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ठीक है, सेमी है और आज का जो स्लाइड है वो स्लाइड पूरा आपको तिरंगा रंग से रंगा हुआ दिख रहेगा ठीक है ना क्योंकि आज जो है बहुत ही सुनहरा दिन है हम लोग के लिए राष्ट्रीय पर्व है ठीक है ना पूरा देश हमारा जोशो उल्लास के साथ मना रहा है तो हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे जोशो उल्लास के साथ चलिए आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तक हम आपको बता चुके थे सेमीकंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज बता चुके थे आज क्या करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है ना टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में सेमी कंडक्टर कितने टाइप का हो गया तो दो टाइप का हो गया इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रंसिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो है ये फिर दो टाइप का होता है पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है ठीक है हम क्या बोल रहे हैं सेमी कंडक्टर दो टाइप का होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रंसिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर दो टाइप का हो जाएगा पी टाइप और फिर एन टाइप हो जाएगा ठीक है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी ही बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं इमप्योर इमप्योर मतलब अशुद्धि इसमें मिलाते हैं और वो जो है शुद्ध रूप में हो गया इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर शुद्ध रूप में होगा और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में क्या करते हैं इम्प्योरिटीज को अशुद्धि को मिलाते हैं ठीक है ना तो सेमी कंडक्टर दो टाइप का इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को ही हम लोग प्योर सेमी कंडक्टर बोलते हैं और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को इम्प्योर सेमी कंडक्टर बोलते हैं ठीक है ना ये एकदम शुद्ध रूप में पाया जाता है और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा तो सिलिकन हो गया सिलिकन हो गया जर्मेनियम हो गया ये सब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है चालकता जो होता है इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चा वो लो होता है तो इसके चालकता के बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं अशुद्धि को मिलाते हैं ठीक है ना और अशुद्धि को मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है जब आप इंटरनसिक सेमी कंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, तो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बनेगा ठीक है ना इम्प्यूरिटी अशुद्धि क्यों मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने का वजह यह है जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है चालकता कम होता है और हमको क्या चाहिए चालकता चाहिए अच्छा चालकता चाहिए उसके लिए हम लोग इंप्यूरिटी को मिलाते हैं अशुद्धि को मिलाते हैं ठीक है जिससे क्या होता है इसका कंडक्टिविटी हाई हो जाता है तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा लो होगा क्लियर है और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा है ना इसका कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा तो सबसे पहला है आपका इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म जो शुद्ध रूप में पाया जाता है उसको हम लोग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर को ही प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर ये शुद्ध रूप में पाया जाता है और इसका कंडक्टिविटी जो है लो होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को ही हम लोग प्योर सेमी कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं यह एकदम शुद्ध रूप में पाया जाता है और इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया तो सिलिकन हो गया जर्मेनियम हो गया हम आपको कल के क्लास में बताए थे सिलिकन का एटॉमिक नंबर फोर्टीन होता है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर थर्टी टू होता है, है ना सिलकन का फोर्टीन और जर्मेनियम का थर्टी टू होता है ठीक है अब हम आपको क्या बताए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है लो कंडक्टिविटी होता है लो कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी होता है चालकता क्या होता है चालकता जो है लो होता है इसका ठीक है ना तो इसके चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंप्यूरिटी मिलाते हैं अशुद्धि को मिलाते हैं ठीक है ना और उसके बाद क्या होता है उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है तो अशुद्धि जो मिलाते हैं हम लोग इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर में तो क्या बनेगा एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बनेगा इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं तो इम्प्यूरिटी सर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि प्योर सेमी कंडक्टर जो है जिसको हम लोग इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बोल रहे हैं उसका कंडक्टिविटी लो होता है तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं ठीक है तो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या हो जाएगा एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुइटेबल इम्प्यूरिटीज टू इट हम आपको बताएं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है और इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंप्यूरिटी को मिलाते हैं अशुद्धि को मिलाते हैं इट इज देन कॉल्ड इम्प्योर और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर तब हम इसको क्या बोलते हैं जब इम्प्योरिटी आप मिलाते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में तो क्या मिलता है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर या फिर इम्प्योर बोल सकते हैं इसको इम्प्योर सेमी कंडक्टर इम्प्योर सेमी कंडक्टर इसी का नाम है इम्प्योर सेमी कंडक्टर ठीक है ना इंप्यूरिटी मिलाते हैं अशुद्धि मिलाते हैं तो इंप्यूरिटी किस तरह का मिलाते हैं सर कुछ बताइए के बारे में। क्या, मिलाते हैं क्या नहीं बच्चा तो इम्पीरिटी जो यहां पे मिलाते हैं वो ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं पेंटावैलेंट ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट भेलेंट इम्प्यूरिटी को हम लोग मिलाते हैं ठीक है ना ट्राइवेलेंट क्या होता है पेंटावेलेंट क्या होता है सबको बताएंगे ठीक है ना ये सारे चीज को हम आपको बताएंगे बस इतना समझिए ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं अब एक टर्म आता है इसी में बच्चा डॉपिंग आता है डॉपिंग एक टर्म है डोपिंग डोपिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू ए सेमी कंडक्टर इज नोन एज डोपिंग डोपिंग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं मतलब अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है ना उसी को तो डोपिंग बोलते हैं ठीक है ना अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है उसको डोपिंग बोलते हैं अब बच्चा अगर आप नेट खोलेंगे इंटरनेट खोलेंगे और डोपिंग का केस आप देखेंगे डोपिंग देखेंगे तो आपको डोपिंग में अलग अलग चीज़ दिखाएगा ठीक है ना क्या दिखाएगा सर तो जैसे मान लीजिए डोपिंग का मतलब क्या बोले हम अशुद्धि मिलाने का प्रक्रिया अब क्या होता है कोई धावक अगर दौड़ने जाता है तो कभी कभी सुई ले लेता है ठीक है ना इनर्जी का जिसे वो तेज़ दौड़ सके ठीक है आप बराबर सुनते होंगे जो कोई जो है डोपिंग केस में फंस गया मतलब कोई खिलाड़ी का जो है डोपिंग केस हो गया मतलब वो जो है कुछ मिलावट करके जैसे कि धावक है अगर वो एनर्जी का सुई लेके जाएगा तो वो ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा तो वो हो गया आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग का देखते होंगे बॉल टेम्परिंग का ठीक है ना तो बॉल टेम्परिंग का केस बहुत सारे खिलाड़ी पे लगा है ठीक है तो वो सब डोपिंग का केस होता है ठीक है मीन्स किसी भी खेल वगैरह में अगर आप जो है उसमें आ, कुछ मिलावटी करते हैं एक्स्ट्रा आप सूई वगैरह लेकर के जाते हैं ठीक है ना या बॉल टेम्परिंग वगैरह का हो गया क्रिकेट के खे खेल में तो वो सब डोपिंग का केस होता है ठीक है तो ये सब तो हो गया बट हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में डोपिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं इम्प्यूरिटी इम्प्यिटी <laughs> मिलाने का जो प्रोसेस है उसको डोपिंग बोलते हैं और डोपिंग क्यों बोलते हैं करते हैं तो डोपिंग इसलिए करते हैं सर क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी लो होता है और उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डोपिंग करते हैं चलिए आई होप डोपिंग आपको समझ में आ गया होगा तो एक चीज़ याद रखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसा जगह है जहां पे क्या है डोपिंग करना अच्छा है बाकी जगह डोपिंग क्या है खराब है जैसे मान लीजिए चावल में कंकर पत्थर मिलाते हैं वो भी इंफ्यूरिटी मिलाना हो गया गलत चीज़ है दूध में पानी मिलाना वो भी गलत चीज़ है मसाला वगैरह है उसमें कोई चीज़ यूज मिला देता है वो भी गलत है मतलब किसी भी तरह का इंफ्यूरिटी आप मिलाते हैं अदर जगह पर तो वो इलीगल है इलीगल समझ रहे हैं ना इलीगल है बट सेमी एक पहला जगह है जहाँ पर क्या है डोपिंग अच्छा है सेमीकंडक्टर जो है पहला जगह है आप कह सकते हैं जहाँ पे डोपिंग करना क्या है अच्छी बात है इसके अलावा डोपिंग का कहीं भी आप देखेंगे तो डोपिंग गलत है जैसे दूध में पानी में पानी में दूध मिलाना चावल में कंकर पत्थर मिलाना धा, धावक जो है इनर्जी का सुई लेके जाएगा ठीक है या बॉल टेम्परिंग का केस ये सब जो है डोपिंग का केस है एक सेमीकंडक्टर ही ऐसा जगह है जहाँ पे डोपिंग अच्छा है कैसे अच्छा है सर तो डोपिंग ही करके हम लोग क्या करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं ठीक है ना तो सेमी कंडक्टर इज द ओनली प्लेस वेयर डोपिंग इज लीगल जहां पे डोपिंग क्या है लीगल है ठीक है ना इसके अलावा जो भी है वहां पे डोपिंग क्या है इलीगल है ठीक है आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चा यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए अब हम आपको बताए हम क्या बताए आपको हम बताए जो सेमीकंडक्टर जो है ये दो टाइप का है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना ये दो टाइप का होता है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं ठीक है और एक्सट्रिंसिक सेमी दो टाइप का होता है पी टाइप सेमी और एन टाइप सेमी तो जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमी में इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तब एक्सट्रिंसिक सेमी मिलता है और हम बताए इम्प्यूरिटी के तौर पे हम लोग ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो जब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं जब हम लोग क्या बोले जब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनता है ठीक है ना और जब हम लोग पेंटा वैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं पेंटा वैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं पेंटा वैलेंट इंप्यूरिटी को जब मिलाते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर मिलता है ठीक है एन टाइप सेमी कंडक्टर मिलता है चलिए इतना चीज को आपको अभी तक में ध्यान में रखना है हम्म डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्यूरिटी किस तरह का आप इंप्यूरिटी ऐड करते हैं मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं या फिर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं अगर आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा अगर आप पेंटा वैलेंट इम्पिनिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप सच एज एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर इसको दो भागों में क्लासीफाई किए अब इसको समझिएगा थोड़ा सा ठीक है चलिए हम टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में क्या बताएं टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में हम आपको बताए सेमी कंडक्टर जो है दो टाइप का होता है सेमी कंडक्टर दो टाइप का होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर और दूसरा हो गया एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर ठीक है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को हम आपको क्या बताए इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं ठीक है ना और यह शुद्ध रूप में होता है इसका कंडक्टिविटी क्या होता है लो होता है लो कंडक्टिविटी इसका होता है लो कंडक्टिविटी होता है इसी के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं जब इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मिलता है इसका एग्जाम्पल में हम आपको सिल्कन और जर्मेनियम बताए ये शुद्ध रूप में पाया जाता है ठीक है ना तो ये इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हो गया प्योर सिलकन या प्योर जर्मेनियम जो है ना उसका कंडक्टिविटी लो होता है बच्चा ये बात भी ध्यान में रखिएगा तो हम लोग जो इंप्यूरिटी मिलाते हैं अशुद्धि मिलाते हैं तब क्या मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है क्लियर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर दो टाइप का हो गया एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा हो गया पी टाइप सेमी कंडक्टर पी मतलब पॉजिटिव एन मतलब निगेटिव पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर में हम आपको क्या बताएं तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में वैलेंट इंप्यूनिटी मिलाते हैं या पेंटा वैलेंट इंप्यूनिटी मिलाते हैं तो सर एन टाइप में आप बताए थे पेंटा वैलेंट पेंटा वैलेंट इंप्यूनिटी पेंटा वैलेंट इंप्यूरिटीज आप बोले जो वैलेंट इंप्यूरिटी जब मिलाएंगे न, तो ना इंट्रिंसिक सेमी कनेक्टर में तो एन टाइप सेमी कनेक्टर मिलेगा ठीक है ना जब वैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे वैलेंट इंप्यूरिटी जब मिलाएंगे वैलेंट इंप्यूरिटीज जब मिलाएंगे तो पी टाइप सेमी कनेक्टर बनेगा ठीक है ना पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा एक चीज़ और याद रखिएगा आगे हम समझाएंगे भी इसको एन टाइप सेमी में मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो इसको हम समझाएंगे, बस इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेजोरिटी कैरियर और माइनोरिटी कैरियर मेजोरिटी कैरियर एन टाइप सेमी कंडक्टर में एन टाइप सेनी कंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर की बात कर ले तो मेजोरिटी कैरियर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनोरिटी कैरियर में क्या होता है होल्स होता है होल्स होता है सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट जो है पी टाइप सेमी कंडेक्टर में हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होगा सर तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा इसमें पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर जो है मेजोरिटी कैरियर हो जाएगा होल्स और माइनोरिटी कैरियर हो जाएगा माइनोरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो मेजोरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो ठीक है ना माइनोरिटी कैरियर में क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा अच्छे से आप लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा माइनोरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा तो जब पेंटावेलिन को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है माइनोरिटी कैरियर होल्स होता है सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा और माइटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा अब आप बोलिएगा सर ये पेंटा भेलेंट ट्राई क्या होता है ये थोड़ा समझा दीजिए तो चलिए ठीक है अब देखिए हम एक वर्ड बोल रहे हैं ट्राई दूसरा वर्ड बोल रहे हैं पेंटा भेलेंट पेंटा और एक वर्ड बोलेंगे टेटरा वैलेंट टेटरा वैलेंट ये तीन वर्ड को समझिएगा ट्राई पेंटा पेंटावेलेंट और टेट्रावेल ठीक है तो ट्राई भेलेंट क्या हो जाएगा मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा तीन होगा ठीक है ना ट्राई भेलेंट में क्या हो जाएगा ट्राईवेलेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी थ्री हो जाएगा भैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन हो जाएगी ठीक है ना? और ट्राईवेलेंट का एग्जाम्पल बताइए तो सर ट्राई का एग्जाम्पल बताइए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैलियम 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 का एटॉमिक नंबर जो है इकतीस होता है इसका एग्जाम्पल और बता दीजिए सर तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलुमिनियम इसका एग्जाम्पल इसका एटॉमिक नंबर तेरह होता है तो देखिए गैलियम को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दो आठ अठारह अट्ठाईस तीन इकतीस हो गया ये तेरह है इसका एटॉमिक नंबर तो, इसको तोड़िएगा तो दो आठ तीन मतलब क्या देख रहे हैं जिसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तीन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होगा तो वो क्या हो जाएगा ट्राई वैलेंट हो जाएगा तीन होगा ट्राईवेलेंट हो जाएगा मतलब गैलियम आर्थ एलूमियम ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया ट्राईवेलेंट का हो जाएगा मतलब ट्राईवेलेंट किसको बोलेंगे तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन होगी वो ट्राईवेलेंट हो जाएगा पेंटावेलेंट किस किस बोलेंगे तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें पाँच हो जाएगा पेंटा मतलब पाँच नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें पांच होती है पांच एग्जाम्पल बताइए ना सर तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा phosphorus, phosphorus, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा पंद्रह और एक हो गया आपका दूसरा ले, ले लेते हैं आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 33 थ्री होता है अब इसका तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दो आठ पाँच इसको तोड़िएगा तो दो आठ अट्ठारह पाँच तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया पाँच मतलब ये पेंटा वैलेंट इम्पिनिटी का एग्ज़ाम्पल हो गया पेंटा वैलेंट का एग्जाम्पल हो गया ठीक है ना? टेट्रा जो है टेट्रा में क्या होगा तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है इसमें पांच होता है चार होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है चार होती है ठीक है ना जो भी सेमी कंडक्टर है सब टेट्रावेलेंट टे हो जाएगा ठीक है ना सेमी कंडक्टर टेट्रा वैलेंट हो जाएगा जैसे इसका एग्जाम्पल में सिलिकन हो गया सिलिकन एटॉमिक नंबर हो गया इसका चौदह इसको तोड़िएगा तो दो आठ चार दूसरा इसका एग्जाम्पल बताइए सर तो जर्मेनियम मतलब सेमी कंडक्टर जो है ना टेट्रावेल्ट होता है बत्तीस हो गया इसको तोड़िएगा तो दो आठ अट्ठारह चार हो गया अब आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्राईवैलेंट क्या होता है वैलेंट क्या होता है और वैलेंट क्या होता है तो देखिए इंट्रेंसिक सेम कंडक्टर में दो तरह का इंप्यूरिटी को हम लोग मिलाते हैं या तो ट्राईवेलेंट या वैलेंट तो जब ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्यूटी में कैसा मिलाएंगे या तो एल्मोनियम हो गया गैलियम हो गया जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होगा वो सब ट्राइवेलेंट है तो ट्राइवेलेंट इंप्यूटी जब मिलाते हैं तो कौन सा सेमी बनता है पी टाइप की एन टाइप तो ट्राईवेलेंट रहेगा तो पी टाइप और पेंटावेलेंट रहेगा तो एन टाइप सेमी बनता है इसी चीज को हम यहाँ पे मैंसन किए हैं आप देख लीजिए एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्यूनिटी को मिलाते हैं और पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्रिटी को मिलाते हैं है ना चलिए नोट कीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं इसको नोट कर लेंगे सभी लोग चलिए समझ में आ रहा है बच्चा कमेंट करके बताइए रिया भारती समझ में आ रहा है हाँ तो ये था आपका ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट और टेट्रावेलेंट ठीक है जो भी सेमीकंडक्टर है सब टेट्रावेलेंट है क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है चार होता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर टाइप्स ऑफ सेमी हम लोग देख लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कम मिलेगा तो जब हम लोग क्या करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है और इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द प्योर सेमी कंडक्टर प्योर सेमी कन्क्टर में जो इम्प्यूरिटी मिलाने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं डोपिंग के बारे में हम आपको अच्छा खासा बता चुके हैं तो डोपिंग बोलते हैं एन टाइप सेंजिक्रेटर में हम आपको बताए जो पेंटा वैलेंट इम्प्यूटी को मिलाते हैं और पेंटा वैलेंट इम्प्यूटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो फॉस्फोरस हो गया इसका एग्जाम्पल फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल हो गया आर्सेनिक ये सब पेंटा वैलेंट इम्प्यूटी है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है सबसे बाहरी कक्षा में उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं है ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है इसमें पांच होता है पांच होता है ठीक है वेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurity इज एडेड टू ए प्योर सेमी कंडक्टर इट इज नोन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर ठीक है तो जब हम लोग क्या करते हैं पेंटा भैलेंट को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इंप्यूनिटी को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर मिलता है द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंफ्यूनिटी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल और पेंटावैलेंट इंफ्यूनिटी मिलाने से क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सेमी क्रिस्टल uh, में अवेलेबल होता है जिसको हम बताएंगे आगे टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट यार आर्सेनिक एंटीमनी ये जो है आर्सेनिक हो गया एंटीमनी हो गया फॉस्फोरस हो गया ये सब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज है मतलब जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पाँच होगा वो सारे के सारे पेंटावेलेंट इम्परिटिज हो जाएंगे ठीक है ना पेंटावेलेंट इंपरेटिज टी� हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्या होगा तो नेक्स्ट सर पी टाइप सेमी कनेक्टर होगा और पी टाइप सेमी कनेक्टर से पहले हम आपको इसका मैकेरेंज बताते हैं हम आपको क्या बोले यहाँ पे द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूनिटी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कनेक्टर केस्टल लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक है ना देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चा हम जर्मेनियम लिए हैं कौन सा लिए हैं जर्मेनियम लिए हैं सर जर्मेनियम लिए हैं ये जर्मेनियम है जर्मेनियम लिए हैं जर्मेनियम लिए हैं जर्मेनियम है, क्या है सर सेमीकंडक्टर है ये जर्मेनियम 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 ये, ये, ये सब जर्मेनियम है इसमें क्या किए एक वैलेंट इम्प्रिटी को हम लोग ले लिए और यहाँ पे ए एस ए एस मीन्स आर्सेनिक को लिए हैं आर्सेनिक आर्सेनिक एटॉमिक नंबर तैंतीस होता है इसको तोड़िएगा तो दो आठ आथ, अट्ठारह और पाँच मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा पाँच होगा तो देखिए यहाँ पे, जो जर्मेनिया में कितना होता है चार होता है तो चार होगा तो देखिए एक यहाँ ये चार होगा तो क्या हो जाएगा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक नीचे अगर रहता तो एक यहाँ भी रहता ठीक है ना एक यहाँ भी रहता चार हो गया इसी तरह से क्या हो रहा है ये सभी जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं अब देखिए आर्सेनिक में कितना होगा तो आर्सेनिक में जो सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच होता है एक दो तीन चार और ए यहाँ पे हो गया सर ये पाँच गो हो गया अब देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ये इसके साथ बना रहा है ये इसके साथ बना रहा है ठीक है ना तो चार गो तो बना लिया ऑक्टेट को पूरा कर लिया आपको पता है को बॉन्ड सेमी कंडक्टर में एक चीज ये भी याद रखिए सेमी कंडक्टर में सेमी कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड बनता है सेमी कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड बनता है तो इसमें को बॉन्ड बनता है को बॉन्ड, बॉन्ड पढ़े होंगे बच्चा में नाइन में पढ़े होंगे को बॉन्ड और को बॉन्ड कैसे बनता है सर ये भी बता दीजिए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके बनता है आदान प्रदान करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो कि शेयर करके बनता है देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया ये इसके साथ शेयर कर लिया ये इसके साथ शेयर कर लिया ये इसके साथ शेयर कर, कर लिया अब ये क्या हो गया ये शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर, कर लिया दो दो चार दो छः दो आठ ठीक है तो सब स्टेबल होना चाहता है स्टेबल कब होगा तो जब ऑक्टेट मतलब आठ जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब वो स्टेबल हो जाता है ठीक है ना अब इसका ये आर्सेनिक का बच्चा एक जो इलेक्ट्रॉन है ये, ये रह गया रास्ते में इसको कहीं पे क्या हो गया इसको कहीं पे करने के लिए मिला ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए तो ये क्या हो गया ऐसा ऐसा ये एक हम फेज लिए हैं ऐसा ऐसा यहां भी होगा सेम सर्किट ऊपर भी होगा इधर भी होगा नीचे भी होगा उसके भी नीचे होगा एक हम पार्ट लिए हैं इसका ऐसे करके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें अवेलेबल रहते हैं तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में हम आपको इसीलिए बताए जो एन टाइप सेमी कंडक्टर में एन टाइप सेमी कंडक्टर में क्या बताए मेजोरिटी कैरियर जो होता है मेजोरिटी कैरियर मेजोरिटी कैरियर वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनोरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो जिसका संख्या कम हो तो माइनॉरिटी कैरियर में क्या आ जाएगा तो सर माइनॉरिटी कैरियर में आप बोले वहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ होल बोलिएगा और क्या बोलिएगा माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा ठीक है ना होल्स हो जाएगा और इस होल्स का चर्चा हम आगे करेंगे तो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्रिटी को मिलाते हैं और सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है शेयरिंग करके एक दूसरे से शेयर करके ऑक्टेट को पूरा करता है और एक पढ़े होंगे आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसका यहाँ पे यूज नहीं है बट ये दो तरह का बॉन्ड आप पढ़े होंगे ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कैसे बनता है ट्रांसफर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके ये शेयर करके होता है और सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है बच्चा ये बात दिमाग में अपना बैठा लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आप कहिएगा लिख लीजिए बट आप इसको यहाँ पर हटा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं याद रखिएगा कॉपी में लिख लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या तो वो लेता है या पूरे पूरी दे ही देता है ठीक है ना शेयर नहीं करता है और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है शेयर करके बनता है और सेमी में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ठीक है ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी आइटम हो गया ये आर्सेनिक है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है तो इसके लास्ट जो अंतिम कक्षा है उसमें पांच इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार और ये यहाँ पे पांच ये पांच हो गया ठीक है ना नेक्स्ट है इसी तरह से ये अगर समझ में आपको आ गया तो नेक्स्ट है पी टाइप ताए, पी टाइप सेमी, सेमी कनेक्टर में बच्चा पी टाइप सेमी कनेक्टर की बात कर ले तो इसमें जो है हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूनिटी को ऐड करते हैं देखिए ट्राई वैलेंट इंप्यूनिटी को ऐड करते हैं और ट्राई वायलेंट इंप्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो सर इसका एग्जाम्पल गैलियम आप बताए थे गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है इसका एग्जाम्पल में आप एलोमियम भी बोल दिए थे एलुमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है तो ये ट्राइवेलेंट हो गया ये सब तो जब ट्राइवेलेंट इम्पिनिटी को मिलाएंगे प्योर सेमी में तो क्या मिलेगा पी टाइप सेमी मिलेगा वेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्पिनिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमी कंडक्टर इट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर तब हम इसको क्या बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं द एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्पिरिटी प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द सेमी कंडक्टर और इसमें क्या होता है होल्स की संख्या बहुत अधिक होती है टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्पिरिटीज आर गैलियम हो गया इंडियम हो गया ठीक है ना एलुमियम हो गया ये सब क्या हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर का हो गया गैलियम इंडियम एल्यूमियम ये सब ट्राइवेलेंट एंटी हो गया ठीक है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या याद रखना है बच्चा पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या हो गया मेजोरिटी कैरियर होल्स हो जाता है होल्स और माइनोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा माइनोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा माइनोरिटी कैरियर और मेजोरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा होल्स हो जाएगा ठीक है ना होल्स हो जाएगा चलिए इसको नोट कर लीजिए अब देखिए कैसे मैकेनिज्म होता है कैसे काम करता है पी टाइप सेमी कंडक्टर में तो यहाँ पे देखिए बच्चा ये हम सेमी कंडक्टर ले लिए गैली जर्मेनियम है ये क्या है तो जर्मेनियम है सर जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है जर्मेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर बत्तीस होता है इसको तोड़िएगा सर तो दो आठ अट्ठारह और चार होता है तो देखिए चार चार हो गया एक दो एक इधर होगा एक इधर होगा ये हम एक छोटा सा पार्ट लिए हैं स्मॉल पार्ट ऐसा ही इधर भी सर्किट होगा सेम उठा कर कर इसको उठा करके इधर कर दीजिए इसी को उठा करके ऊपर कर दीजिए इसी को उठा करके इधर कर दीजिए इसी को उठा करके उधर कर दीजिए ठीक है ना तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कितना तीन दो पाँच पाँच तीन आठ आठ गो जर्मेनियम है उसमें एक जो है गैलियम का लिए हैं ठीक है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं ये गैलियम इज इम्प्यूरिटी अशुद्धि है ये कैसा उसे अशुद्धि है सर तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूनिटी है और गैलियम जी ए गैलियम का हमको गैलियम को जी ए से डिनोट करते हैं जी ए जिसका एटॉमिक नंबर इकतीस होता है और इसको तोड़ते हैं तो दो आठ अट्ठारह और तीन होगा ठीक है ना तो देखिए एक दो तीन यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर कर लिया ये इसके साथ शेयर कर लिया ये इसके साथ शेयर कर लिया अब यहाँ जो ये यह जर्मेनियम है देखिए ये जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर कर लिया यहाँ शेयर कर लिया उसी तरह यहाँ शेयर कर लेगा और यहाँ क्या होता है ये जो है जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन चार होता है तीन इधर है एक इधर होगा तो ये जो है और यहाँ पे तो तीन ही है पांच था तो एक बचे गया था वहां पे यहाँ एक कम है तो इसके ये इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है यहाँ पे होल्स का क्रिएशन होता है और होल्स एक तरह से पॉजिटिव चार होता है इलेक्ट्रॉन को कभी भी दिखाएंगे बच्चा तो ऐसे दिखाइएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाएंगे ठीक है और होल्स को जो है ऐसे दिखाएंगे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे होल्स को ठीक है तो देखिए इसमें क्या होता है एक होल का क्रिएशन हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये निगेटिव है निगेटिव चार्ज है और उसके कारण एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है यहाँ पे जो क्या करेगा एक बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा इसके कारण एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं और ये एक है ऐसा ऐसा फिर यहाँ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं है। बहुत सारा होगा ये एक पार्ट है तो इस तरह से करने में क्या होगा नंबर ऑफ होल्स जो है होल्स की संख्या अधिक हो जाती है तो पी टाइप सेमी में हम आपको बता दिए मेजोरिटी कैरियर में मेजोरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा और माइनोरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है है ना मेजोरिटी कैरियर में होल्स हो गया और माइनोरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो गया ठीक है ना चलिए तो ये गैलियम हो गया बच्चा ये है गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है ये इंप्यूरिटी है ये आपका सेमीकंडक्टर है और ये बीच में एक इंप्यूरिटी है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी मिलाते हैं ठीक है ना जिससे क्या होता है कंडक्टिविटी मेरा बढ़ जाता है प्योर सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है उसके कंडक्टिविटी को चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंप्यूरिटी को मिलाते हैं देखिए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज है तो जब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमी कनेक्टर मिलेगा और जब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप सेमी कंडक्टर मिलता है ठीक है ना अब होल हम आपको बोले होल होल तो होल क्या है देखिए कह रहा वेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज थर्मल इनर्जी थर्मल इनर्जी के कारण जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिव्स ए वैकेंसी डैट इज ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन जो मिस होगा ना उसके कारण क्या होगा ये जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है इसके कारण एक क्या होता है होल का क्रिएशन होता है ठीक है ना एक स्पेस जो है खाली रह जाता है क्योंकि यहाँ पे गैलियम है तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे एक स्पेस खाली रह गया जिसके कारण क्या होता है एक स्पेस जो खाली होता है तो वो जो स्पेस खाली होता है उसके कारण होल्स का जो है वो जो है रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिप्स ए वैकेंसी एक वैकेंसी छोड़ता है और ये जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में इसी मिसिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं होल बोलते हैं विच एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा और होल जो है पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा होल जो है पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा ठीक है ना और यही होल की बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में बार बार हम लिख रहे हैं कुछ मतलब है क्योंकि यूज होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर मेजोरिटी कैरियर जो है बच्चा हम क्या बोले क्या बोले इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स है और माइनोरिटी कैरियर क्या लिखा है माइनोरिटी कैरियर जो है ये क्या होता है तो होल्स होता है यही होल है बच्चा यही होल है ठीक है ना और पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा मेजोरिटी कैरियर जो है यह हो जाएगा होल्स और माइनोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा माइनोरिटी कैरियर कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ठीक है इतना चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना इतना चीज को ध्यान में रखना है ठीक है अब नेक्स्ट है बच्चा पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन है पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए एन टाइप सेमी कनेक्टर पढ़ लिए ठीक है किसमें मेजोरिटी कैरियर क्या होता है माइनोटी कैरियर क्या होता है किसमें सब चीज़ हम देख लिए अब हम पी एन जंक्सन बोलेंगे पी एन जंक्सन एक तरह से डायोड की तरह काम करता है पी एन जंक्सन कैसे फॉर्म होगा तो जब पी टाइप सेमी कनेक्टर और एन टाइप सेमी कनेक्टर को स्वीटेबली हम लोग ज्वाइन करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमी कनेक्टर को जब हम लोग स्वीटेबली ज्वाइन करते हैं ठीक है ना तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्सन हम बोल रहे हैं एक तरफ हो गया पी टाइप सेमी और एक तरफ हो गया एन टाइप सेमी इसके कारण जो ये जो जंक्शन होगा इधर पी टाइप होगा इधर एन टाइप होगा तो यहां पे जो जंक्शन होगा ना जी इसी जंक्शन को हम लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं ठीक है ना पी एन जंक्शन इसको बोलते हैं वेन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर इज स्विटेबली ज्वाइन टू एन एन टाइप सेमी कंडक्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पी एन जंक्सन और जो कॉन्टैक्ट सरफेस डेवलप्ड होता है उसको पी एन जंक्सन बोलते हैं जब पी टाइप से मिकनेडक्टर और एन टाइप सेमिकनेक्टर दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा उसको पी एन जंक्सन बोलेंगे पी टाइप से मिकनेक्टर में क्या होगा तो सर मेजोरिटी कैरियर में आप पी टाइप में बताएं होल है मतलब इसका संख्या जो है होल का संख्या अधिक होता है होल का संख्या अधिक होगा

तो क्या होगा आप लाइक पोल रिपेल इच अदर ये पॉजिटिव 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 क्या करेगा इधर मुंह ढक लेगा और ये निगेटिव ये भी निगेटिव इसको इधर मुंह ढक लेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर यहाँ जो होल्स है ये इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज जो है इधर आ जाएगा तो यहाँ पे एक जंक्शन जो है डेवलप्ड हो जाएगा जंक्शन इसी को हम लोग पी एन जंक्सन बोलते हैं और ये जो लेयर है इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं डिप्लीसन ले पी टाइप सेमी कनेक्टर है, ये है। पे ये हो गया होल्स हो ठीक है और ये जो देख रहे हैं बच्चा ये हो गया electrons। तो देखिए किसका संख्या ज्यादा है किसका कम है खुद आप देख बताइए होल्स का संख्या अधिक है क्योंकि इधर पी टाइप सेमी कनेक्टर लिए हैं। होल्स का संख्या अधिक है मेजोरिटी में होल्स हो गया और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हो, uh, हो गया सिमिलरली एन टाइप से निकनेक्टर में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये सब इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये सब इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये हो गया होल देख लीजिए आप खुद किसका संख्या ज़्यादा है किसका कम है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक है सारा होल्स का संख्या कम है यहाँ होल है यहाँ होल है यहाँ होल है, है अब देखिए तो जब सप्लाई देंगे तो ये जो आपका होल्स है जो कि पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा इधर आ जाएगा मूव करेगा और ये जो इधर मरेगा दोनों क्या करेगा बॉन्ड करेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा तो ये जंक्शन के पास दोनों आएगा और क्या करेगा कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या करेगा ये जंक्शन को ब्रेक करेगा और करेंट जो है फ्लो करता है तो ये जो लेयर है बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लिसन लेयर देखिए ये जो लेयर बनता है ना जंक्शन के पास उसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं और ये जो जंक्शन है पी टाइप और एन टाइप के बीच का जो जंक्शन होता है उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं ठीक है ना पीएन जंक्शन बोलते हैं इतना चीज को ध्यान में रखिए ठीक है द टिपिकल बैरियर पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली सिलिकन के लिए जो है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट होता है ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है सर तो बैरियर पोटेंशियल जो है ना बच्चा ये वो वोल्टेज होता है जिसके बाद जो है सेमीकंडक्टर काम करना शुरू करता है उससे पहले आप कोई भी जो है आप करंट में कोई भी चेंजिंग करेंगे कुछ भी वो आउटपुट नहीं देगा मतलब जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट से अगर कम रहेगा ना जैसे सिलकन के लिए बात कर लेते हैं अगर इसका वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट से कम रहेगा तो करेंट जीरो ज़ीरो देगा जीरो देगा करेंट ये जब यह ये जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट या उससे अधिक बढ़ाइएगा तब फ्लो करना शुरू करता है इससे कम में करेंट फ्लो करना शुरू नहीं करता है ठीक है ना जैसे आपको जो है जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवान को निन्यानवे गाली तक माफ किए थे ठीक है ना तो निन्यानवे गाली तक कोई रिप्लाई वो नहीं किए ठीक है ना जब उनको गाली दे रहे थे नाम हमको याद नहीं है तो वो निन्यानवे गाली सुने थे और जब सौ गाली हुआ तो क्या किए थे गर्दन काट दिए थे तो निन्यानवे गाली तक तो था वो उनका टॉलरेंस था कुछ नहीं बोले ऐसे हम लोग के भी लाइफ में होता है कोई आपको चिढ़ाएगा तो दो बार तीन बार पच चिढ़ाएगा कुछ नहीं बोलेगा वही जब बार बार चिढ़ाएगा पाँच बार दस बार चिढ़ाएगा तो जब आप चिढ़ जाते हैं तब उसको रिप्लाई करते हैं तो उसी तरह से समझिए यहाँ पे सिलिकन जो है इसमें जब जीरो वोल्ट से कम रहेगा वोल्टेज तो ये करेंट कुछ नहीं देगा जीरो करेंट रहेगा जब ये ये इसको इससे अधिक हो जाएगा तब जो है ये क्या करेगा काम करना शुरू करता है और उसी तरह से जर्मेनियम में जब ये जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट को गेन करता है इससे या इससे अधिक होता है तब करेंट फ्लो करना शुरू होता है उससे कम रहता है तो करेंट फ्लो नहीं करता है तो याद रखिए बैरियर पोटेंशियल या इसी को हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं नी वोल्टेज नी वोल्टेज ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज होता है वो जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट होता है।, है ना इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब नेक्स्ट है बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज बैसिंग ए पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन में बैसिंग कैसे करते हैं बैसिंग का मतलब होता है अलग से सप्लाई को जोड़ना जैसे बैटरी लगाते हैं ना जी अलग से उसी को बैसिंग बोलते हैं बैसिंग बैसिंग करना मतलब अलग से जो सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसी को बैसिंग बोलते हैं ठीक है और दो तरह का होता एक, बैसिंग होता है एक फॉरवर्ड बैसिंग होता है फॉरवर्ड बैसिंग और दूसरा रिवर्स बैसिंग होता है ठीक है फॉरवर्ड बैसिंग और रिवर्स बैसिंग फॉरवर्ड बैसिंग में क्या होता है बहुत ही आसान है बच्चा दोनों एक बार समझ लीजिए फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग देखिए फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है है इधर अगर पी टाइप टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेस ठीक है ना इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड बेस पी टाइप सेमी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से तो इसको फॉरवर्ड बेस बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है तो सर होल होता है कितना बार तो आप बताएं होल होता है होल होता है होल हो गया और मेजॉरिटी कैरियर इसमें जो है एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है सर तो इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है माओटी कैरियर बताइए सर तो पी टाइप में मायोटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा रहे हैं गौर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसमें जो है इसमें क्या हो जाएगा होल को ऐसे दिखाएंगे ये हो गया होल ये सब इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया टुक 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 टुक, 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 टुक ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया अलग कलर में कर देते हैं बच्चा जिससे आपको याद रहेगा हाँ ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं और ये जो है होल हो गया तो मेजोरिटी कैरियर की बात कर लेते हैं तो देखिए पी टाइप सेमिकेटर में क्या है पी टाइप पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरह से तो यहाँ ये पॉजिटिव सप्लाई है इधर इधर दिए ये होल्स है होल्स भी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ये भी कहेगा धक्का देगा ये अपने तरफ नहीं खींचेगा अनलाइक पोल अट्रैक्ट चीज इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ जो है मिलेगा अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भगाएगा होल होल भागेगा ठीक है ना जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखते हैं जी नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को एक साथ कीजिएगा तो वो रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को जब करेंगे तो अट्रैक्ट करेगा उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ होल ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा इसको इधर मुंह ढक लेगा अपने ओर नौ खींच के इधर मुंह इसको ढक लेगा इधर निगेटिव है और इधर इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी मेरे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर ढक लेगा इधर मुंह ढक लेगा तो ये होल्स इधर आया इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स वाला और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चल जाएगा यहाँ पे क्या करेगा एक लेयर बना देगा इसी लेयर को हम क्या बोले लेयर बोले, डिप्लीशन लेयर और पी और एन टाइप के बीच में जो जंक्शन है इसको पी एन जंक्शन बोलते हैं ठीक है ना तो फॉरवर्ड बैस में क्या होता है बच्चा यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करेगा और कंबाइन करके जंक्शन को ब्रेक करता है और करेंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बैसिंग में करेंट फ्लो करता है ठीक है ना वेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एन निगेटिव टर्मेल ऑफ इज कनेक्टेड टू एन टाइप ऑफ द पी एन जंक्शन देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बैसिंग पी टाइप सेमी कनेक्टर को पॉजिटिव टर्मेल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं एन टाइप सेमी कनेक्टर को निगेटिव टर्मोलॉफ बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैस फॉरवर्ड बैस में क्या क्या होता है तो फॉरवर्ड बैस में आप याद रखिए करेंट फ्लो करता है करेंट फ्लो करता है करेंट फ्लो करता है करता है ठीक है अब बताइए डिप्लीशन लेयर जो है डिप्लीशन लेयर ये बड़ा होगा या छोटा होगा तो देखिए होल्स इधर आएगा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो दोनों जो है अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा डिप्लीशन लेयर कम कर देगा स्मॉल करेगा क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रॉन होल यहीं पे कंसंट्रेट होगा तो यहां पे डिप्लीशन लेयर जो है स्मॉल होता है डिप्लीशन लेयर क्या होता है डिप्लीशन डिप्लिसन स्मॉल होता है छोटा सा होगा स्मॉल होता है डिप्लीशन लेयर स्मॉल होगा तीसरा लो रेसिस्टेंस होगा ठीक है ना लो रेसिस्टेंस होगा और डिप्लीशन लेयर बच्चा जितना ही कम होगा जितना पतला डिप्लीशन लेयर होगा उतना ही आसानी होगा करेंट फ्लो करने में जैसे बांध का एग्जाम्पल हम देते हैं बाढ़ में जो पानी आता है तो बांध अगर जितना चौड़ा है उतना टूटने का कम चांस रहता है बहुत चौड़ा बांध है तो बांध जल्दी टूटता नहीं है पतला बांध रहेगा तो टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा तो ये फॉरवर्ड बैसिंग में क्या होता है ये जो बांध है ये डिप्लीशन लेयर के रूप में ये जो है पतला होता है जो कि क्या होता है ब्रेक कर जाता है और करेंट फ्लो करता है करेंट फ्लो करेगा मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा ठीक है ना तो रेसिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पर कम होता है और करेंट फ्लो करता है पी आज से फॉरवर्ड बेसिंग आपसे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा तो फॉरवर्ड बैसिंग जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एंड टाइप सेमिकर को निगेटिव बैटरी से जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बैसिंग बोलते हैं ठीक है ना फॉरवर्ड बैसिंग में सर करेंट फ्लो करता है डिप्लीशन लेयर स्मॉल होता है और रिसिस्टेंस लो होता है करेंट फ्लो किसके कारण करता है तो मेजोरिटी कैरियर के कारण माइनॉरिटी कैरियर का देख ले एक बार तो देखिए माइनोरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव है तो अपनी ओर खुजेगा इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव ये पॉजिटिव अपनी ओर खुजेगा और यहाँ पे क्या है होल्स है माइनटी कैरियर uh, तो ये इधर खींचेगा तो ये माइनटी कैरियर के कारण क्या होगा ये इधर आ जाएगा मतलब माइनोरिटी कैरियर के कारण करेंट फ्लो नहीं करेगा मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगा और मेजोरिटी कैरियर के कारण ही करंट फ्लो करता है अच्छे से माइनोर्टी कैरियर के कारण तो बहुत कम करंट फ्लो करेगा लीकेज ऑफ करंट हो जाता है ठीक है और रिवर्स बैसिंग में बच्चा जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है रिवर्स बैसिंग में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है देखिए पी टाइप डक्टर यह आपका फॉरवर्ड बैसिंग का एग्जाम्पल है फॉरवर्ड का फॉरवर्ड बैसिंग हो गया ठीक है ना देखिए पी टाइप सेमी कंडक्टर को पॉजिटिव टर्म ऑलो बैटरी से जोड़े एन टाइप सेमी कंडक्टर को निगेटिव टर्म बैटरी से जोड़े फॉरवर्ड बैस हो गया इसमें जो है पी टाइप में होल्स की संख्या अधिक होती है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है ये पॉजिटिव चार्ज है होल्स भी पॉजिटिव है तो देखिए इधर मुंह ढकला इधर मुंह जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है ये भी निगेटिव है तो रिपेल करेगा एक दूसरे को तो ये इधर मुंह ढक लेगा अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों आके क्या होगा जंक्शन के पास कंबाइन करेगा और यहाँ पे एक लेयर तैयार करेगा जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं लेयर जितना कम होगा पतला होगा करेंट फ्लो करने में उतना ही आसानी होगा मतलब बांध जितना पतला होगा उतना ना टूटने में आसानी होता है जी बांध जितना चौड़ा होगा उतना ही कम टूटता है देखिएगा बड़ा बड़ा बांध जो होता है वो टूटता ही नहीं है बाढ़ में बाढ़ का जब पानी आता है टूटता ही नहीं है पतला बांध रहेगा तुरंत टूट जाएगा ठीक है तो यहाँ बांध टूटेगा ये डिप्रेशन लेर ब्रेक होगा तभी करेंट फ्लो करेगा ठीक है तो ये फॉरवर्ड बैसिंग हो गया रिवर्स बैसिंग जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स बैसिंग में क्या करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर को इधर पी ले लेते हैं बच्चा पी और एन पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ जो बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स बैसिंग ठीक है ना रिवर्स बैसिंग और रिवर्स बैसिंग में करेंट फ्लो नहीं करता है देखिए पी टाइप सेमी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े और एन टाइप सेमी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़े इसको बोले रिवर्स बैस रिवर्स बैस में करंट फ्लो नहीं करता है कैसे नहीं करता है देखिए सर यहां पे पी टाइप है तो होल्स हो गया मेजोरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा हुँ. चलिए तो ये होल्स हो गया होल्स हो गया और यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइप में मेजोरिटी कैरियर का ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पे बच्चा तो ये निगेटिव है और ये होल्स है पॉजिटिव है तो ये अपनी ओर खींचेगा यहाँ ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है तो ये अपनी ओर खींचेगा तो ये इसको इधर खींचेगा इसको इधर खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा तो डिप्लिसन लेयर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और डिप्लिसन लेयर जब बड़ा होगा तो करेंट फ्लो करने देगा नहीं करेंट फ्लो करने देगा ठीक है ना और माइनोरिटी कैरियर के कारण क्या होता है जैसे माइनोरिटी कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गया माइनोर्टी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहाँ माइनोटी कैरियर हो गया होल्स तो माइनरिटी कैरियर के कारण क्या होता है यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो इधर मुँह ढक लेगा ये पॉजिटिव है और यहाँ जो है निगेटिव uh, है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो गया माइनोरिटी कैरियर की बात कर रहे हैं तो ये इधर मुँह ढक लेगा दोनों को तो क्योंकि इसका संख्या ही बहुत कम होता है बस थोड़ा बहुत आता है जिसके कारण लीकेज ऑफ करंट होता है करंट फ्लो नहीं करता है रिवर्स बैस में रिवर्स बैस में याद रखने वाली चीज़ क्या है तो सर रिवर्स बैस में बता दीजिए क्या याद रखिए जो बोलिएगा वो रख लेंगे तो रिवर्स बैस में बच्चा याद रखिए रिवर्स बैस में करेंट फ्लो नहीं करता है करेंट फ्लो नहीं करता है करता है लीकेज ऑफ करेंट होता है लीकेज ऑफ करेंट होता है लीकेज ऑफ करेंट होता है ठीक है लीकेज ऑफ करेंट होता है उसके बाद डिप्लीशन लेयर क्या होगा तो लार्ज डिप्लीसन लेता है डिप्लीशन लेयर क्या होगा डिप्लीशन लेयर जो है लार्ज होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा तो हाई रेसिस्टेंस होगा हाई रेसिस्टेंस होगा ये सारे चीज रिवर्स बैस के बारे में आपको ध्यान रखना है ठीक है ना ये सारे चीज रिवर्स बैस के बारे में आपको ध्यान में रखना है तो ये फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैसिंग हो गया बैसिंग मतलब अलग से बैटरी को कनेक्ट करना बैसिंग मतलब बैटरी को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बैसिंग बोलते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी से जोड़ेंगे एन टाइप सेमी को निगेटिव टर्नोल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बैसिंग और जब पी टाइप सेमी को निगेटिव टर्नोल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमी को पॉजिटिव टर्नोल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स बैसिंग यहाँ देखिए पी टाइप सेमी को निगेटिव टर्नोल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमी को पॉजिटिव टर्नोल ऑफ बैटरी से बोलेंगे तो इसको रिवर्स बैसिंग बोलेंगे फॉरवर्ड बैसिंग एंड रिवर्स बैसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे यूज होने वाला है तो इसको अच्छे से समझेंगे ठीक है ना अच्छे से इसको समझना है ये लिखा हुआ है डिप्लीसन डिप्लीसन लेयर लिखा हुआ है डिप्लिसन लेयर तो चलिए आज हम लोग बहुत सारे चीजों को समझे बेसिक बेसिक चीज जिसको समझना जो है बहुत ही जरूरी था तो चीजों को हम लोग समझे ठीक है ना तो आज के क्लास को हम यहीं पे इंड करते हैं बच्चा आप लोग भी अच्छे से इंजॉय कीजिए आज का दिन ठीक है ना अच्छे से पढ़ना है और देश के काम आना है ठीक है ना देश अगर आप देखेंगे तो देश जो है आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चा तो वो कहीं ना कहीं हमारा देश का ही योगदान है जिसके कारण हम लोग आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है ना आ, हमेशा बचपन से लेकर के और अभी तक जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में देश का कंट्रीब्यूशन होता है तो जब भी आप पढ़ेंगे पढ़ पर के बड़ा बनेंगे ठीक है ना किसी पोस्ट पे जाएंगे या कुछ अच्छा करेंगे तो आपका भी कर्तव्य होगा जो देश के लिए आप काम करें ठीक है क्योंकि यही देश है जो हम लोग को जो है बड़ा करता है आगे बढ़ाता है तो हम लोग का भी ये कर्तव्य है तो जब हम लोग उस योग्य हो जाए तो हम लोग भी अपने देश को जो है आगे बढ़ाने का काम करें जो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है डेवलपिंग नेशन है उसको डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करें ये हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए हर एक नागरिक का जो भारत के नागरिक हैं वो हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए ठीक है ना हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे अच्छे से काम करेंगे जिससे क्या होगा हमारे माता पिता हमारा तो भलाई होगा ही साथ ही साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा ठीक है ना तो हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है अभी भी अगर हम लोग देखें तो डेवलप्ड नेशन में नहीं है डेवलप्ड नेशन में जैसे अमेरिका हो गया जापान हो गया रूस हो गया ये सब डेवलप्ड नेशन है तो उसके सूची में हम लोग को भी जाना है तो इसके लिए हम लोग का भी जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन करेंगे अपने देश के लिए जो है कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो चलिए दो दोस्त आज जो है पंद्रह अगस्त है बहुत ही शुभ दिन है और जाते जाते फिर से एक बार आपको पंद्रह अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं ठीक है ना स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम